नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों मित्रों, दिनांक 7 जून 2023 से आपकी किस्मत का मित्रों एक अनोखा भेद खुलने वाला है। और किस्मत आखिर आपको क्या रंग दिखाएगी, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। मित्रों आइए, वीडियो बहुत खास होने वाली है। सबसे पहले अगर हम नजर डालें पंचांग पर, तो 7 जून को बुधवार का वार है। साथ में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, यानी कि मित्रों संकष्टी चतुर्थी है। वहीं आप सभी को बता देते हैं कि उत्तर साढ़ा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, और मित्रों ब्रह्मा एवं इंद्र नामक योग भी बन रहा है, जो कि बड़ा ही शुभ योग है। मित्रों अगर बात करें सूर्य की स्थिति की, तो सूर्य तो वृषभ राशि में ही विराजमान रहेगा, लेकिन दूसरी ओर चंद्रमा जो है वह मित्रों पूरे दिन मकर राशि पर संचार करेगा। तो अब ऐसे में समस्त ग्रहों की चाल का एवं नक्षत्रों की चाल का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रों, कौन से शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे, कौन से अशुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी, क्या सावधानियां आपको बरतना पड़ेगी, किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा मित्रों, व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन यापन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, साथ ही मित्रों विद्यार्थियों के साथ बेरोजगारों के जीवन में कौन कौन से परिवर्तन होंगे, यही बात हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मित्रों इस छोटी सी 10 मिनट की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मित्रों वीडियो के अंत में हम आपके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय एवं सिद्ध मंत्र भी लेकर आए हैं, जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। चाहे कोई भी दुख हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो, यह उपाय दूर कर देंगे। और मित्रों सबसे पहले वीडियो को लाइक करना आपका कर्तव्य है, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। हाथ जोड़कर छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मित्रों 8 बार ओम गण गणपतिये नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो आइए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों हमारे गुरु जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में कर्म हमेशा संभल कर करने चाहिए, क्योंकि ना किसी की बद्दुआ खाली जाती है और ना किसी की दुआ। इसलिए मित्रों यदि किसी की दुआ कमानी है तो हमेशा अच्छे कर्म करना, और अगर किसी की बद्दुआ कमानी है तो बुरे कर्म करना। इंसान का जीवन उसके कर्मों के आधार पर ही बढ़ता है। गुरु जी के इस ज्ञान को अपने जीवन में मित्रों जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों समय अत्यंत शुभ चल रहा है, लेकिन आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस वक्त परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर बना हुआ है। साथ ही मित्रों अपने आप को जितना ज्यादा हो सके पूरी तरह से सकारात्मक बनाकर रखने की कोशिश करें, और मित्रों आपके और आपके भाई के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर विवाद होने की संभावना बन रही है। अपने वाणी का चयन थोड़ा सोच समझ कर करें। साथ ही मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके सकारात्मक बनाएं, अपने वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, और परिवार में कोई धार्मिक आयोजन होने की भी संभावना बन रही है। वहीं मित्रों बता देते हैं कि जो स्टूडेंट्स वर्ग हैं, अगर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
तो समय अच्छा है। आप फॉर्म भर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। जी हाँ, दिन हंसी खुशी से बीतेगा। सुबह की शुरुआत एक बहुत बढ़िया खुशखबरी के साथ होगी और युवाओं को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने की संभावना भी बन रही है। मित्रों, भूमि से संबंधित किसी गतिविधि में निवेश करने की योजना है तो समय अनुकूल है। मित्रों, कोई घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो घर खरीद सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपको घर से संबंधित कागजी कार्रवाई टालनी होगी, क्योंकि इस वक्त उन कागजी कार्रवाई के अटकने की मित्रों संभावना बन रही है। मित्रों, संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार मिलने से मन प्रसन्नित रहेगा। मन में मित्रों लड्डू फूटने लगेंगे अपने संतान की उपलब्धि को देखकर, और आप उनका उत्साह बढ़ाएंगे, उनको मित्रों प्रोत्साहित करेंगे, और किसी से भी सोच समझकर ही कोई वादा करें, वरना आपके मान सम्मान पर बात आ सकती है। क्योंकि मित्रों, आपने पहले भी यही गलती की थी, आपने अपने लोगों से वादे किए थे और फिर उन वादों को निभाया नहीं था, जिसकी वजह से आपके रिश्ते इस वक्त कमजोर हुए हैं। क्योंकि मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि वादा वही करे जो पूरा हो सके। अपने अतिरिक्त कार्यभार लेने से अत्यधिक थकान और परेशानी आप महसूस करेंगे मित्रों, इसलिए अपने ऊपर अतिरिक्त कार्यभार लेने से बचें और पड़ोसियों अथवा संबंधियों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें। इनकम सोर्स शुरू हो सकता है स्टाफ के किसी सदस्य की लापरवाही की वजह से कोई नुकसान होने की भी आशंका है, और इस समय धैर्य और विवेक से काम लेना उचित रहेगा। मित्रों, जीवन में अगर खुशी रहना है तो जीवन में हमेशा धैर्य और संयम से काम लेना। जी हाँ, बता देते हैं कि मित्रों, ऑफिस में कोई टारगेट पूरा होने से राहत मिलेगी और पारिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन और घूमने फिरने में मधुर समय व्यतीत होगा, और लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें मित्रों, क्योंकि आपका लव पार्टनर आपसे थोड़ा सा नाराज हो सकता है, आपकी कोई बात उन्हें चुभ सकती है, और किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाकर रखने की जरूरत है। योगा मेडिटेशन इसका उचित हल है। तो आइए मित्रों, अब हम जान लेते हैं कुछ चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करेंगे। मित्रों, पानी और नहाने से संबंधित एक छोटा सा उपाय है। पानी में इलायची या केसर डालकर नहाने से आर्थिक तंगी दूर होती है। पानी में दूध मिलाकर नहाने से शक्ति मिलती है और उम्र भी बढ़ती है। पानी में रत्न डालकर नहाने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। पानी में तिल डालकर नहाने से महालक्ष्मी की कृपा मिलती है, और पानी में थोड़ा सा दही मिलाकर नहाने से संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। वहीं मित्रों, यह तो थे छोटे मोटे उपाय, लेकिन एक छोटा सा उपाय और बताते हैं जो आपका जीवन सुधार देगा। मित्रों, यदि आपकी शादी में बहुत अड़चने आ रही है, घर में जल्दी ही शहनाई बजवाना चाहते हैं, तो आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को, जो शादी वाले सेहरे की कलंगी होती है, बाजार से खरीद कर उसी दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को अर्पित करनी है। साथ में 5 लड्डू अर्पित करने हैं, 1 पीला रुमाल अर्पित करना है। आते समय पीला रुमाल उठाकर सदैव अपने पास रखना है। इस उपाय को करने से शहनाई जल्दी ही घर में गूंजेगी। तो अब आप सभी को बता देते हैं कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो
तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मित्रों हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा और दैनिक राशि फल एवं रोजाना ज्ञान वर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़